आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ SBI बैंक की जो चेकबुक होती है उसकी। और आपको जो है मैं बताने वाला हूँ SBI बैंक की जो चेकबुक है कितने दिन में आती है आपके पोस्ट ऑफिस में। तो फ्रेंड आप जो है इस वीडियो को भी ना स्किप क्रॉस करते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ये है SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक। यहाँ पे जो है आप देख सकती हो यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और ये जो मैंने एड्रेस है ये हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस के कारण। तो यहाँ पर आप बैक साइड से देख सकते हो बैक साइड से जो चेकबुक है कुछ इस प्रकार से आपको मिलती है इसकी पैकिंग। तो फ्रेंड मैं जो है इस चेकबुक को आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। फटाफट से जो है मैं इसे ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप के वॉच करते रहिएगा। वीडियो पर आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो फ्रेंड यहां पे जो है आप देख सकते हो यहां पे मैं जो है चेकबुक को ओपन कर रहा हूं। आपको जो यहां पे छुटाना है अपना जो चेकबुक का यहां पे कागज चिपका हुआ होता है तो आपको जो है वो लिफाफा ओपन करना है। लिफाफा ओपन करने के बाद आपको जो यहां पे चिट छुटा लेनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो और आपकी जो चेकबुक है कुछ इस प्रकार से आपको दिखने लगेगी। चेकबुक के साथ आपको थोड़े बहुत मेन्यू कार्ड भी मिलते हैं उसमें जो है आप पढ़ सकते हो चेकबुक के बारे में ही जानकारी दी गई है और उसमें आपको ATM के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैकिंग आप देख सकते हो पैकिंग में अब कुछ नहीं है। मैं जो है इसे लिफाफे को साइड में रख देता हूँ। तो फ्रेंड बात कर लेता हूँ चेकबुक की। मेन पॉइंट चेकबुक ही है तो मैं जो है चेकबुक की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक और यहाँ पे जो है आपका जो बैंक का नाम है जो आपकी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे होता है। तो मैं जो है चेक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे चेकबुक ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो चेकबुक जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपका नाम और चेक नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ मंथ डालने का भी ऑप्शन है यानी आप किस तारीख में अपना जो चेक है वो दे रहे हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से चेक आप देख सकते हो ये होती है चेक बुक और इसमें जो है आप देख सकते हो काफ़ी पेज होंगे लेकिन मेरी जो चेक बुक है ये ओनली ऑन 10 पेज की है और आपकी जो चेक बुक है वो 100 पेज की भी हो सकती है 50 पेज की भी हो सकती है और आपकी चेक बुक 25 पेज की भी हो सकती है। और यहाँ पर जो है आपको रिकॉर्ड रखना होता है यानी आपको यहाँ पे चेक नंबर डालना है और दूसरी कॉलम में आपको डेट और तीसरी कॉलम में आपको नाम डालना है किसको आपने चेक दिया है और यहाँ पे आपको कितने रुपए का आपने चेक दिया है यानी इसमें जो है आपका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे अपना जो रिकॉर्ड है वो लिख सकते हो और यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो भी यहाँ पे आपको पता लगता रहेगा। आप जो है चेक काट के दोगे तो उसमें आपको जो आपके अकाउंट में शेष बैलेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से जो है आपकी चेकबुक आता है और यहाँ पे ऐसी होती है आपकी SBI बैंक की चेकबुक। तो फ्रेंड अब मैं बात कर लेता हूँ SBI बैंक की जो चेकबुक के साथ आपके जो मेनू कार्ड मिलते हैं उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रेंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हो मैंने जो है आपको चेकबुक की अनबॉक्सिंग दिखा दिया है और अब जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको जो है क्या क्या मिलता है चेकबुक के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो यहाँ पे ये मिलता है मेमो इसमें जो है आप पढ़ सकते हो आपको जो है इसके बारे में ही जानकारी दिया हुआ होता है तो आप जो है इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो आपको बैक साइड में कुछ नहीं मिलता लेकिन फ्रंट साइड जो होती है इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड मैं जो है इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपको जो यहाँ पे एक और आपको मिलेगा मेमो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक ATM। तो यहाँ पर जो है आप इसके बारे में जो है जानकारी पढ़ सकते हो। ये जो कागज़ है यहाँ पे ये यानी स्लिप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो है इसमें ATM के बारे में जानकारी दिया हुआ है लेकिन ये चेकबुक के साथ आया है तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बट इसमें जो है आपकी जानकारी के बारे में लिखा हुआ है लेकिन इसमें जो जानकारी दी गई है वो ATM कार्ड के बारे में है यानी आप ATM का पिन कैसे जनरेट कर सकते हो आप माइक्रो ATM से पैसे कैसे निकाल सकते हो और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू किस प्रकार से अपना जो
एटीएम है वो एक्टिवेट या अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो है इसे थोड़ा साइड में रख देता हूँ। तो फ्रेंड अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक पासबुक मिलती है, छोटी सी आपको यहाँ पे एक पासबुक मिलती है जो कि आप देख सकते हो कोड ऑफ बैंक, और यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 2014। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी 2014 की ये लिखित है, यानी ये किताब जो है इसका जो ये बनी थी 2014 में, ये किताब बनी थी यानी जो इसे बनाया गया था 2014 में इसे बनाया गया था, और ये जो है हर पासबुक के साथ किताब आती है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी जानकारी मिलती है देखने को, आप देख सकते हो कोड के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार की ये जो पासबुक आपको मिलती है। तो फ्रेंड मैं जो है इसे थोड़ा साइड में रख देता हूँ, और वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ।